सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. आज 17 सितंबर 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 8:24 हो रहे हैं. कल निफ्टी में हफ्ते के पहले ही दिन एक गिरावट देखने को मिली, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला. हालांकि टेक्निकल पैटर्न्स में हमने देखा था काफी बुलिश सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि जो सैटरडे था, वीकेंड था, उसमें एक ड्रोन अटैक हुआ है सऊदी के ऑयल कंपनी के ऊपर. इसके कारण ऑयल का जो सप्लाई है वो थोड़ा घट सकता है. इसके वजह से कल हमने देखा कमोडिटी मार्केट्स में भी ऑयल के प्राइस जो थे वो काफी बढ़ गए. तो अभी भारत जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट ऑयल करता है, तो नेचुरल है कि ऑयल के प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा. और जो कि हम सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इसका सीधा असर करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर गिरेगा. अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो जीडीपी पे ऊपर इसका असर गिरेगा. तो ये सबको देख के अभी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन भी है वो भी काफी ग्रो हो रहा है. सऊदी भी इसका इस एक्शन को रिटेलिएट करेगा, अमेरिका तो रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी है. तो अगर यहाँ पर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो नेचुरली ग्लोबल बाजार में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है. तो आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, ये इसको आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये कल का पिक्चर है, 16 सितंबर आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. कल के वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा. कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,084 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,049. तो जैसे कि कल वीडियो में कहा था कल निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकता है. तो ये 10 मिनट का चार्ट है, जैसे कि आप देख रहे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला. जो सेकेंड टारगेट था उसके भी नीचे निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ. तो यहाँ पर कोई इस प्लान के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता. और जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ से रिवर्स हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, और एग्जैक्ट जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था इसी के पास इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से एक रिवर्सल ट्रेंड दिखाया. तो काफी कल एक कंसोलिडेशन पैटर्न था. तो कल के प्लान प्री मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग तो कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता. काफी एक्यूरेट साबित हुआ यह ब्रेकडाउन लेवल, यहाँ पर ही कल इसने रेजिस्टेंस फेस किया. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते. कल अमेरिकी बाजार में साफ तौर पे प्रेशर दिखाई दिया, डाउ जोन्स नास्डैक दोनों भी लाल निशान में बंद हुए. यूरोपियन बाजार भी देखे तो वहां पर भी इसका असर देखने को मिला, जो सऊदी के ऑयल कंपनी के ऊपर अटैक हुआ है. आज एशियाई बाजार भी थोड़े से प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहे हैं. निक्के ही देख सकते हैं आप, 13 पॉइंट की गिरावट दिखाई दे रहा है. चाइना मार्केट में भी और हांगकांग मार्केट में भी उसका असर देखने को मिल रहा है. डाउ फ्यूचर देखे तो 24 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी भी अभी हल्के से गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर है. देखते हैं निफ्टी में आज क्या लेवल्स हो सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, उसके मुताबिक हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, यह निफ्टी का वीकली चार्ट. जैसे कि हम देख रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पर ये जो प्रीवियस के प्रीवियस वीक था यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, जो कि डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक बुलिश सिग्नल यहाँ पर होता है ऐसा माना जाता है. और उसके नेक्स्ट वीक यानी लास्ट वीक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक भी फॉर्मेशन हुआ. तो एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिला था. अगर लाइन चार्ट की बात करें तो जैसे यहाँ पर RSI में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे. तो ऊपर प्राइस एक्शन में भी ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और इसके बाद ये राइट शोल्डर, तो ये भी फॉर्म हो चुका है. अभी नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने तक वेट करना होगा. ये बुलिश पैटर्न यहाँ पर बन चुका है, लेकिन नेकआउट का जब तक एक कंफर्टेबली यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक यहाँ से हमें अपसाइड जर्नी दिखाई नहीं दे सकती. अगर ये पैटर्न यहाँ पर ऊपर इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर अगर बनता था तो यहाँ से सुपर एक रैली देखने को मिलती थी. क्योंकि अभी अगर ये पैटर्न बन भी चुका है बुलिश पैटर्न, तो सबसे पहले ये दो मूविंग एवरेज ये हर्डल का काम कर सकते हैं, एक तो 50 EM है और दूसरा 20 EM है. तो ये दो मूविंग एवरेजेस भी हर्डल्स है. और अभी जैसे कि जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है तो उसके कारण थोड़ा सा प्रेशर भी देखने को मिल सकता है. हालांकि कल आप देख सकते हैं ये 11,000 को काफी रिस्पेक्ट किया है इसने,
11,000 के ऊपर ही एक क्लोज हुआ है। तो ये अगर लेवल ब्रेक होता है 10,983 आज के दौर में, तो फिर से एक बार निफ्टी टूवर्ड्स ये जो 100 EMA है, जो लास्ट 6 वीक से जो सपोर्ट का काम कर रहा है, जो अराउंड 10,790 के पास है अभी, ये नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है। और ऊपर में ये 38.2% का ये जो लेवल है, ये 50 EMA के पास आ रहा है, 20 EMA भी ऑलमोस्ट अभी इसी लेवल के आसपास है। तो 11,200 अप्रॉक्स एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर ऊपर में इसे जाना है तो 11,200 के ऊपर इसे कंफर्टेबली एक डिसीजिव मूव दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ से ये अपसाइड रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो यहाँ पर अभी वीकली चार्ट में ये स्टिल अभी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में है, बुलिश पैटर्न बना हुआ है, लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए इसे इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर एक क्लोज, यहाँ पर कंफर्टेबल मूव दिखाना जरूरी है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो कल जैसे कि हमने कहा था यहाँ पर ये जो 20 EMA है अभी ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो एग्जैक्ट आप देख सकते हैं ये 20 EMA को कल इसने फिर से एक बार रिस्पेक्ट किया, इसके नीचे ये क्लोज नहीं हुआ। तो जैसे आज अगर प्रेशर कंटिन्यू रहता है और यहाँ से निफ्टी इंडेक्स अगर 20 EMA के नीचे क्लोज होता है, तो फिर से हमें यहाँ से टूवर्ड साउथवर्ड एक मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अगर ये 20 EMA को रिस्पेक्ट करता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से एक अपसाइड मूव आए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट 15-20 दिनों में यहाँ पर 2-3 बार इसने इसी लेवल के पास एक रेजिस्टेंस फेस किया, ऑलमोस्ट 11,150 के पास। तो 11,150 ये यहाँ पर एज पर डेली चार्ट एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन होता है तो ये मूविंग एवरेजेस ये 50 EMA और यहाँ पर 100 EMA डेली चार्ट हम देख रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल भी ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल के पास आ रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस के लेवल से अभी कंसोलिडेशन फेज में है निफ्टी इंडेक्स। इसके लिए वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, एक दिन गिरावट देखने को मिल रही है तो दूसरे दिन उसको उसकी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन ना बने, ये क्लियर यहाँ पर सिनारियो बनने दे तो ये लॉन्ग पोजीशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये है डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी कल यहाँ पर अगर इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर डबल टॉप मिल गए। ये यहाँ पर ये डबल टॉप फॉर्मेशन है जो कि बियरिश ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है अभी ये, लेकिन इसमें एक कंफर्मेशन की जरूरत है। ये जो नेक लाइन यहाँ पर बन जाएगा, ये नेक लाइन बन जाएगा, तो इस नेक लाइन को अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी इंडेक्स में यहाँ से और प्रेशर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये डबल टॉप फॉर्मेशन है, तो अगर आज निफ्टी इंडेक्स में ये नेक लाइन ऑलमोस्ट S1 के लेवल के पास आ रहा है जो कि पिवट पॉइंट का लेवल है, कल ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना था उसके बाद लास्ट 3 आवर्स ये जो कैंडलस्टिक का हाई और लो का रेंज है इसी के बीच में ये ट्रेड हो रहा था, काफी कंसोलिडेट पैटर्न था। तो ये रेंज हो गया है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का, लेकिन इसके भी पहले ये पिवट पॉइंट के S1 के लेवल्स भी है, तो इन लेवल्स को कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अगर 10,963 को टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,946, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,923, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो कंसोलिडेशन फेज था, ये जो बियरिश कैंडलस्टिक के बीच में ये ट्रेड हो रहा था लास्ट 3 आवर्स, इसको अगर कंफर्टेबली अगर ये ब्रेक करता है, यानी 11,016 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,033। एक छोटा सा क्विकली हमारा टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद सेकेंड टारगेट 11,048, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन।